हेलो स्टूडेंट, आज फिर एक बार आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप यूट्यूब चैनल पर मैं अरविंद पांडे आप लोगों के सामने एक नया मैथमेटिक्स का टॉपिक लेके आया हूँ, जो क्लास 12 में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही सरल टॉपिक है। तो उस टॉपिक का नाम है समतल प्लेन। तो आज हम लोग सीखेंगे कि समतल क्या होता है और समतल का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं कि पहला पॉइंट समतल क्या होता है। देखिए, समतल का मतलब ये होता है कि ऐसा पृष्ठ, ध्यान सुनिए, ऐसा पृष्ठ, मान लीजिए कि एक पृष्ठ है, ये पृष्ठ है बोर्ड ही मान लीजिए, जिस पर अगर दो बिंदु हैं हम ले और उनसे एक रेखा प्राप्त करें, क्या प्राप्त करें, रेखा, तो वो रेखा का प्रत्येक बिंदु उस पृष्ठ पर उपस्थित हो तो इस प्रकार का पृष्ठ समतल है। क्या बताया हमने, समतल वह पृष्ठ है जिस पर दो बिंदुओं से प्राप्त जो रेखा होगा उस रेखा के सभी बिंदु उस पृष्ठ पर उपस्थित होंगे, तो इस प्रकार का पृष्ठ होता है वो समतल। ये तो परिभाषा हो गई, समतल मतलब जैसा जैसे बोर्ड वगैरह हो गए, इसे क्या होते हैं समतल। तो जो समतल होते हैं उसका समीकरण क्या होता है इसके बारे में पहले बताया, परिभाषा क्या होती है समतल, ये समझ में आ गया। अब सीखेंगे समतल के समीकरण। तो समतल जो क्लास है या फिर अन्य जगह जो क्वेश्चन बनता है वो समतल के समीकरण बनता है। जब समतल का समीकरण हम सीख लेंगे तो निश्चित तौर पे समतल के और शर्त और कंडीशन भी हम लोग जान जाएंगे। तो पहला पॉइंट ये होता है कि समतल का समीकरण, क्योंकि किसी को दर्शाने के लिए समीकरण की आवश्यकता होती है और वह समीकरण क्या होता है इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। चलिए आते हैं, समतल के समीकरण को ज्ञात करने के लिए कई विधियाँ हैं, शर्त कई हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो विधि बनाई गई है वो तीन विधि बनाई गई है। कितनी विधियां, तीन, जिसमें से पहली जो विधि है उसे कहते हैं अभिलंब रूप। क्या बोलते हैं, अभिलंब, ठीक है। और दूसरी विधि है वो होता है कि जब एक बिंदु से सदिश होकर गुजरे, और तीसरी जो कंडीशन होती है जब तीन असंरेख बिंदु से होकर गुजरे। तो पहला विधि हमारा है अभिलंब, समतल का अभिलंब। चलिए यहां पर आते हैं समतल का अभिलंब। समतल का अभिलंब क्या होता है, आर डॉट एम के बराबर डी, बस इतना ही होता है समतल का अभिलंब। ये कब प्राप्त होता है, समतल का अभिलंब रूप बनता कब है, कैसे हम जानेंगे कि अभिलंब रूप बनाना, या तो प्रश्न में दिया होगा या फिर हम क्वेश्चन को देख के ये जान जाएंगे कि अभिलंब रूप प्राप्त होता है। देखिए, जब मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी दिया हो, लंबवत इकाई दूरी, ध्यान रखना है लंबवत इकाई दूरी, दूरी तो दिया जाएगा उसे हम इकाई दूरी बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या रहेगा, मूल बिंदु से लंबवत दूरी पहला पॉइंट, और क्या दिया होगा, समतल का अभिलंब इकाई सदिश, कौन सा सदिश, इकाई सदिश, अभिलंब इकाई सदिश, ये दिया होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, हमने लिखा कि एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स, यहां पर एक समतल है, ये जो समतल है वास्तव में ये अक्षों के आधार कैसे बाहर की तरफ है, हमने क्या किया इस समतल पर एक बिंदु एन ले लिया जहां से मूल बिंदु की दूरी कितनी है, डी है, मतलब समतल की और मूल बिंदु से जो दूरी होगी वो कितनी होगी, लंबवत दूरी वो डी होगी, कितनी होगी, इसी दिशा में एक अभिलंब सदिश एन कैप है, क्या है, अभिलंब इकाई सदिश एन कैप है। तो निश्चित तौर पर जो ओ एन दूरी डी है, तो ओ एन अगर सदिश निकाले तो हमें पता है कि किसी दिशा में अगर इकाई सदिश दिया हो और उसका परिमाप दिया हो तो सदिश हम प्राप्त करते हैं। तो यहां देखिए, इस एन के आधार पर ओ एन सदिश का जगह डी एन के, क्योंकि ओ एन बराबर डी दिया था और ओ एन की दिशा में इकाई सदिश एन है। चलिए, अब चित्र से हम देखते हैं कि हमने यहां पर एक बिंदु अपने मन से लिया, इसी समतल पर बिंदु लिया पी, तो यहां देखिए ओ एन एन पी बराबर ओ पी, तो यहां से हमने ज्ञात किया एन पी बराबर ओ पी माइनस ओ एन, सॉल्व करने पे आया आर माइनस डी, क्योंकि इसको हमने आर माना है, ओ पी को क्या माना है, आर माइनस डी है। हमें पता है कि जो ओ एन है ये लंबवत है, कैसा है, लंबवत, क्योंकि इसकी दिशा में, और ये लंब सदिश है, लंब इकाई सदिश, तो ये भी लंब होगा, ओ एन लंब है इस पर पी एन पी पर, इस पर एन पी पर, यहां लिखा है एन पी लंबवत है ओ एन लंबवत है एन पी पर, तो लंबवत के कंडीशन से दोनों का डॉट बराबर, यहां से हमने दोनों की वैल्यू रखी और सॉल्व किया, रिजल्ट कितना गया आर डॉट एन के बराबर। तो ये तो समतल का समीकरण कैसे प्राप्त हुआ उसके बारे में, कि एक बिंदु दिया हो तो समतल का समीकरण क्या होता है,
एक अभिलंब सदिश दिया हो और क्या दिया हो, मूल बिंदु से दूरी दिया हो, न कि बिंदु, मूल बिंदु से दूरी दिया हो और अभिलंब सदिश दिया हो, तो समतल का समीकरण होता है आर डॉट एन के बराबर। तो ध्यान रखना है आपको कि जब किसी प्रश्न में मूल बिंदु से इकाई दूरी दिया हो तो समझ लीजिए कि यही रूप लगेगा, और क्या दिया होगा उसके साथ साथ अभिलंब सदिश, और कौन सदिश, इकाई सदिश, ध्यान रखना है इकाई सदिश, ठीक है। तो वहां से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, क्या है आर, ये बदलेगा नहीं तो फिक्स होगा, एन क्या है इकाई सदिश, क्या है इकाई सदिश, और डी क्या है मूल बिंदु से। तो ये रहा पहला प्रश्न। अगर कह लिया जाए इसका कार्तीय रूप क्या होता है, कौन सा रूप, कार्तीय रूप, तो देखिए सिंपल सी बात है, आर की वैल्यू एक्स वाई जेड रखेंगे और एन कैप क्या रखेंगे, एन कैप इकाई में, इकाई में हमेशा दिक को दिया होती है एल एम एन, तो जो हमारा प्राप्त होगा कार्तीय रूप वो क्या हो जाएगा, कार्तीय रूप, ये तो सदिश रूप था, कार्तीय वो बन जाएगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर, क्योंकि हमें इकाई से दिया, क्या दिया, तो बड़े आसानी से हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू एक्स आई प्लस वाई ए प्लस जेड के, और यहां से एन के की वैल्यू क्या हो जाएगी एल आई एम ए और एन रख करके हम ये वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो आपको कल याद रखना है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर, ठीक है। तो ये रहा समतल का समीकरण अभिलंब के लिए, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे समझ में आ जाए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन में ध्यान क्या रखना है आपको, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी की चर्चा की है तो अभिलंब रूप ही बनेगा, चाहे सदिश इकाई दिया हो या केवल सदिश दिया हो। तो एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि मूल बिंदु से इकाई दूरी, मूल बिंदु से इकाई कितना हो सिक्स हो, तथा समतल पर अभिलंब सदिश, इस पर समतल अभिलंब सदिश, कुछ लिख रहे हैं क्वेश्चन को, कुछ बोल दे रहे हैं, समतल पर अभिलंब सदिश कितना है एन कैप बराबर, यहां से लिख लेते हैं कुछ बी वन अपान थ्री आई प्लस टू अपान थ्री जे माइनस टू अपान, यहां पे जे यहां लेगा जे माइनस टू अपान थ्री, ऐसा कुछ है। हमने मान लिया कि इकाई सदिश है तो समतल का समीकरण बहुत ही सरल है, कोई भी जगह सॉल्व करेंगे यहां से आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि समतल पर लिखोगे प्रश्नानुसार समतल पर इकाई सदिश, कौन सा सदिश, इकाई सदिश, वो क्या है एन कैप, इसकी वैल्यू कितनी है वन अपान थ्री आई प्लस टू अपान थ्री ए माइनस टू अपान थ्री, ये दिया होगा इकाई सदिश दिया है, तथा समतल की, समतल की मूल बिंदु से दूरी डी बार कितना दिया हुआ है सिक्स, इसलिए समतल का समीकरण, समतल का कितना सरल है आर डॉट एन के बराबर डी सिक्स, यहां पे आर एन की वैल्यू दिया हुआ है ऑलरेडी वन पॉइंट थ्री आई प्लस टू आई थ्री ए और माइनस टू आई थ्री बराबर कितना हो जाएगा, चाहो तो आप थ्री को कॉमन लेको रख लेंगे तो जाएगा आर डॉट आई प्लस टू जे माइनस टू के बराबर, चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए बात बराबर दोनों के दोनों, तो ये रहा समतल का, ठीक है। इस प्रकार से देखा कि समतल का समीकरण बड़े आसान तरीके से जब सदिश दिया हो मूल बिंदु से दूरी दिया हो तो हम याद कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं कि यहां पर क्वेश्चन करेंगे कि दूरी तो दिया होगा लेकिन इकाई सदिश नहीं बल्कि सदिश दिया होगा, क्या दिया होगा सदिश, तो उसमें दो क्वेश्चन बनेंगे कि यदि एक मूल बिंदु से दूरी दिया हो और समतल पर अभिलंब सदिश दिया हो तो समतल का समीकरण क्या होगा, अभिलंब रूप क्या होगा, और उसके साथ उसकी दिक को दिया और मूल बिंदु से दूरी के जो शर्त होते हैं वो कैसे कंडीशन होते हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं, इसी बेस पे है तीनों एग्जांपल इसी बेस पे रहेंगे, छोटे छोटे टॉपिक में छोटे छोटे भागों को मैं बांट करके आप तक पहुंचाऊंगा, बड़े ही सिंपल
तरीके से। इसको पढ़ने के बाद कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो निश्चित तौर पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कह रहा है कि एक मूल बिंदु दूरी दिया हुआ है, किसी समतल के मूल बिंदु से, मूल बिंदु से कितना दिया हुआ है 7 और सदिश दिया हुआ है समतल पर, समतल पर अभिलंब सदिश। क्या दिया हुआ है? अभिलंब सदिश। देखिए यहां पर हमने इकाई सदिश नहीं दिया है, केवल अभिलंब सदिश दिया है। क्या लिया है? अभिलंब सदिश n। वो कितना दिया हुआ है? हम मान लेते हैं कोई भी आपके चार जो ऑपरेशन का 6i माइनस 2j प्लस 3, ऐसा कुछ नहीं, ये दिया रहेगा आपको, आपको यहां ये चीज है तो ध्यान रखना है। अभिलंब सदिश है, देखोगे क्योंकि समतल, देखो इस प्रश्न में बताया जाता है कि समतल पर अभिलंब, अभिलंब इकाई सदिश, क्योंकि हमें इकाई सदिश चाहिए, क्या चाहिए? इकाई सदिश। और यहां दिया क्या है? सदिश दिया हुआ है, तो इकाई सदिश क्या होता है? n के बराबर यहां से वेक्टर n बटे मापांक, ये होता है। तो यहां से n के वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 6i माइनस 2j प्लस 3 और बटे में क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर हमारा लगा 4 और 3 का 9, ये हो जाएगा आपका 6i माइनस 2j प्लस 3k और अपॉन में ये 7 हो गया, ये n का और मूल बिंदु से दूरी दी हुई है 7 का, इसलिए समतल का समीकरण, समतल का किसे r डॉट n के बराबर g, क्या हो जाएगा r डॉट n कैप, n कैप की वैल्यू रखेंगे ध्यान देखिए, n कैप निकाला हमने 6i माइनस 2j प्लस 3k बटे में 7 बराबर यहां कितना आ जाएगा, चाहिए लिखिए या इसी को हम क्या लिखेंगे, या वेक्टर r डॉट यहां से 6i माइनस 2j प्लस 3k बराबर 40, ऐसा कुछ दिया, ठीक है, ये वैल्यू प्राप्त हुई, ऐसा कुछ समीकरण। तो हमने देखा, देखा सदिश दिया हो या इकाई सदिश दिया हो, अगर दूरी दी हो तो यहां से वैल्यू को ज्ञात। कभी कभी क्या होता है कि समीकरण दिया होता है और कहता है मूल बिंदु से दूरी ज्ञात। तो देखिए प्रश्न में जब आपको समीकरण दिया होगा, एग्जाम्पल देता हूं, प्रश्न में जब आपको समीकरण दिया होगा तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले ज्ञात करना है कि इकाई सदिश है कि नहीं। कह रहा है समतल का समीकरण, समतल का क्या दिया हुआ है, वेक्टर r डॉट यहां से लिख लेते हैं 3i माइनस 4j और प्लस 3, कुछ भी लिख सकते हैं यहां पे 3i या फिर 2j या 12k, कुछ भी लिख सकते हो आप जो आपकी इच्छा, यहां पे लिख ठीक है सर हम 12 कर बराबर ऐसा दिया है। कह रहा है समतल का समीकरण दिया हुआ है, इसकी जो समतल का समीकरण है इसके अभिलंब की दिक खोजिए, अभिलंब की दिक खोजिए और मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, तो आपके दिमाग में आएगा r डॉट n के बराबर d, मूल बिंदु से दूरी क्या होगी 5 होगी, लेकिन नहीं ये गलत है। ये क्या है, गलत है। अगर समीकरण दिया हुआ है तो वो यहां से हम सॉल्व करेंगे, क्या ये इकाई सदिश है, देखिए यहां क्या ये इकाई सदिश है, इसके लिए जांच कैसे करेंगे, यहां से मापांक निकालेंगे इसका, किसका, इस सदिश का मापांक 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 इसका स्क्वायर 16 और प्लस 12 का 144 और सॉल्व करके देख रहे हैं तो वैल्यू कितनी आ रही है, यहां पे 144 और 16 25 कितना है 160 बराबर, ठीक है, क्योंकि यहां 6 4 10 9 और यहाँ पे 4 और 1 5 और ये हाँ 6 और यहाँ पे 1 सही, तो ये वैल्यू आ गई 13 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये वैल्यू प्राप्त हो गई। तो देखिए यहाँ से हमने क्या पाया, ये एक वैल्यू प्राप्त हो गई, तो जल्दी करना। अब यहाँ से देखिए यहाँ देखा आपने कि इसकी वैल्यू अगर 1 आती कितनी आती 1, तब तो ये इकाई सदिश थी, लेकिन इसकी वैल्यू 1 तो आ नहीं रही है, आ रही है क्या, नहीं आ रही, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे,
उस कंडीशन में हम देखेंगे कि इकाई सदिश नहीं है, अर्थात ये कौन सी केवल रूप दिया हुआ है, क्या दिया? तो आपको यही करना है, अगर यहाँ एक होता तब तो हम लिखते मूल में से दूरी पांच है और दिक को दिया तीन चार पांच चार और बारह, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है, इसलिए लिखेंगे समीकरण को मानक रूप, मानक या अभिलंब रूप लिख सकते हैं, अभिलंब रूप में बदलने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों में किसके इस सदिश के मापांक, इस सदिश का मापांक निकाला हमने तो कितना आया, आया 30, कितना आया से भाग देने, रिजल्ट हो जाएगा आपका आर और या 3i-4j+12 बटे में 30, यहाँ क्या जाएगा 5i, ये हमारा क्या होगा अभिलंब रूप होगा, क्या होगा अभिलंब। अब यहां से तुलना कर लेते, तुलना से मूल बिंदु से दूरी कितनी हो जाएगी, मूल बिंदु से जो दूरी होगी कितनी होगी 5/30, और दिक को क्या कितनी होगी, दिक तो देखो आई का गुणा जो होता है वो दिक को क्या होता है, जे का गुणा के का गुणा, आई का गुणा कितना हो जाएगा 3/13-4/13-12/, इस प्रकार से जो इनके गुणांक आएंगे वो क्या कहलाएंगे, दिक कुंजक। अब अगर यहां पर होता तो ये क्या कहलाते हैं, दिक अनुपात, क्या कहलाते हैं, दिक अनुपात। तो यहां से आप दिक अनुपात निकाल के दिक कुंजक भी ज्ञात कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कैसा भी होगा आपको ध्यान रखना इस प्रकार से सदिश रूप को सॉल्व करना है, क्या करना है सदिश रूप को, अगर यही कार्तीय रूप भी हो तो इसी प्रकार से कार्तीय रूप भी सॉल्व करना है, वहां पर क्या करना है, वहां पे एल एम एन का मान दिया होगा, कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा कि यदि किसी समतल के अभिलंब की दिक को ज्ञाय, समतल के अभिलंब की दिक को ज्ञाय, दिक क्रमशः कितनी है 2, 3 और या ऐसे कितने हैं, देखो जी यहाँ पर 1/3, 2/3 और मानक 2/3, कुछ ऐसा है कि समतल की दिक को दिया है इस रूप में, देखो दिक को दिया, जब दिया होगा तो ध्यान क्या रखना है, तीनों का वर्ग करके जोड़ने पे एक आना चाहिए और वर्गमूल निकाल लेते, इसका मतलब दिक को दिया का शर्त होता है रूट में n² + m² + n² बराबर कितना आती है, ये ध्यान रखना है l² m² या अगर रूट हटा भी देंगे आप तो भी l² m² कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, ये कंडीशन होती है, ये शर्त ठीक नहीं, एक का वर्गमूल एक ही होता है, l² m² बराबर तीनों के वर्ग एक होता है किसी भी रूप में, तो यहाँ देखिए इनका अगर वर्ग करेंगे तो कितना आएगा एक, तो यहाँ दिक को ज्ञात दी हुई है और मूल बिंदु से दूरी दी हुई है, मूल बिंदु से दूरी कितना दिया हुआ है 4, तो समीकरण पूछ रहा है, तो समतल का समीकरण, समतल का डायरेक्ट क्या होता है lx + my + nz = यहाँ से रखिए 1/3x - 2/3y - 2/3z = या इतना रख दिया क्या है x + 2y - 2z = ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ये कंडीशन, या इसका उल्टा दे दें कि समतल का समीकरण यह है उसकी दिक को ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए दिक को, तो देखिए यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, इनका वर्ग करके जोड़िए गुणांकों का, अगर एक आ रहा है तो वही दिक को ज्ञात होगी, अगर एक नहीं आ रहा है तो समझिए क्या है दिक अनुपात, क्या है दिक अनुपात, तो उस कंडीशन क्या करना है, इन तीनों के वर्ग का योग का वर्गमूल, तीनों का वर्ग नहीं मतलब मापांक जिसको बोल सकते हैं हम, तो उसका दोनों पक्षों में भाग दे देंगे, क्या दे देंगे भाग, अब उसके बाद जो इधर बचेगा गुणांक वो क्या हो जाएगा दिक कुंजक, और उधर जो बचेगा मूल बिंदु से दूरी, यानी कि मूल बिंदु से दूरी बाहर है, ऐसा नहीं है, जैसे अगर क्वेश्चन उल्टा कर दें कि किसी समतल का समीकरण ये है x + 2y - 2z = 12, क्वेश्चन को चेंज कर दिया हमने, किसी समतल का समीकरण दिया हुआ है दिक
एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर प्लस माइनस दो का स्क्वायर, क्या ये कितना आता है? दो दो चार, ये एक नहीं आ रहा, क्या रहा? एक नहीं आ रहा। अगर एक नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दिक को दिया नहीं है। तो उस कंडीशन में इसका वर्गमूल कितना जाएगा? थ्री। तो जितना ये प्राप्त होगा इसका दोनों पक्षों में भागेंगे, ये बन जाएगा वन अपॉन थ्री एक्स प्लस टू अपॉन थ्री वाई माइनस टू अपॉन थ्री ये बराबर बारह बटे ये सॉल्व करेंगे कितना जाएगा? अब ये माना क्यों होगा, क्या होगा? अब तुलना करेंगे तो एल बराबर वन अपॉन थ्री, एम बराबर टू बाई थ्री, एन बराबर माइनस टू बाई थ्री और डी बराबर कितना जाएगा। तो ध्यान रखना है कि ये चीज जांच करने के बाद ही हमें पता चलता है कि वास्तव में जो दिया गया समीकरण है वो मानक रूप अभिलंब रूप में है कि। तो हमने क्या सीखा कि यदि कोई अभिलंब रूप कोई क्वेश्चन दिया हुआ अभिलंब रूप पूछे तो हम उसको कैसे जानते हैं, ठीक है। इसी में जैसे ये प्राप्त हुआ तो हम देखते हैं कि कभी कभी पूछता है कि समतल के अभिलंब का लंबवत, अभिलंब का लंब, देखिए पॉइंट एक ही है लेकिन उसमें कई चीजें पूछ सकता है। तो आपको पता है ये लंबपाल के निर्देश जो लंबपाल होता है, ये समतल हो गया, अगर समतल पर एक लंब पड़ रहा है तो जो बिंदु होगा उसका तो वो क्या होता है? वो होता है यहां से एल डी एम डी और एल डी एम डी और एल दिक को दिया डी दूरी। तो यहां देखिए अगर यहाँ पूछ लिया जाए इसी क्वेश्चन में तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा दिक को मतलब वन अपॉन थ्री इंटू फोर तो फोर अपॉन थ्री, दूसरा यहाँ से एट बाई थ्री और तीसरा माइनस एट बाई। इसके आधार पर कई कई क्वेश्चन में ये पूछ जाता है कि समतल दिया होगा, कहेगा समतल के अभिलंब के लंब पद का दिक निर्देशांक है। तो इस प्रकार से हमें पहले एल एम एन का मान निकालना है, डी का मान निकालना है, फिर उसके बाद लंब पद के निर्देशांक को ज्ञात। तो हमने क्या सीखा कि किसी समतल के समीकरण क्या होता है जब मूल बिंदु से दूरी और अभिलंब सदिश दिया, ठीक है। तो अगला हमारा पॉइंट होगा दूसरा प्रकार। हमने बताया कि समतल तीन प्रकार प्राप्त होते हैं, तो दो इस वीडियो में बताएंगे और एक नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है, जिससे कि ज्यादा बड़ा ना हो आपको पढ़ने में आसान। तो दूसरा हमारा पॉइंट होगा कि एक बिंदु दिया हो, क्या एक बिंदु दिया हो तो समतल का समीकरण क्या होगा, लेकिन केवल बिंदु से ज्ञात होगा नहीं, उस बिंदु के साथ साथ अभिलंब सदिश दिया हो, इकाई नहीं अभिलंब सदिश, चाहे इकाई दिया हो चाहे अभिलंब दिया हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, केवल सदिश दिया हो। तो क्या दिया होगा? एक बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण। यहां पर पहचान कैसे करना है? केवल एक बिंदु से जाने वाले समतल के समीकरण से। कब? एक बिंदु से जाने वाले समतल का सरल ये एक बिंदु जो समीकरण होता है वो होता है आर माइनस ए डॉट एन बराबर या आर डॉट एन बराबर ए डॉट, जहां ए क्या है? दिए गए बिंदु सदिश, बिंदु और यह क्या है? अभिलंब सदिश, क्या है? अभिलंब सदिश, चाहे वो इकाई सदिश हो चाहे अभिलंब सदिश हो। अगर इसी का कार्तीय रूप पूछे, क्या कार्तीय क्या करना है? ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन बराबर, जहां पे एक्स वन वाई वन जेड वन बिंदु होगा और ए बी सी क्या होगा? अभिलंब सदिश के दिक अनुपात। यहाँ ए बी सी क्या है? हमने कैपिटल लिया है, ये क्या है? ए बी सी, ये तीनों के तीनों क्या है? दिक, ये होता है कि जब एक बिंदु दिया होता है तो समतल का समीकरण कैसे जाता है, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला? आपको केवल इतना ही याद है, लेकिन ये बना कैसे, ये प्राप्त कैसे हुआ? देखिए सदिश को, सदिश से ही कार्तीय बना हुआ, सदिश को बताते हैं। देखिए बहुत सरल है कि अगर कोई समतल है ये एक्स एक्स ये वाई एक्स और ये दिया हुआ है, यहां पे ये समतल है, मान लिया हमने यहां पे समतल ले लिया, कोई ये ऐसे समतल है, इस पर एक अभिलंब सदिश है, ये क्या है?
अभिलंब सदिश, एक अभिलंब सदिश। और यहाँ पे एक बिंदु ले लिया, बिंदु क्या लिया P, जो x1 y1 और z1, तो यहाँ पे अभिलंब है। अगर यहाँ पे एक बिंदु हमने Q ले लिया, जो क्या है x y और ये x1 y1 z1 ये x1, अगर मूल बिंदु से हम P को मिलाएं तो क्या बनेगा, सदिश से मूल बिंदु से Q को मिलाएं इसको हमने R माना जो हद में है, और PQ को मिला दें हम यहाँ से PQ, तो देखिए PQ की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर जो PQ की वैल्यू होगी वो हो जाएगी R माइनस कितना सरल सेम उसी प्रकार से, लेकिन यहाँ बिंदु दिया था तो PQ की वैल्यू R माइनस है, और ये PQ n पर लंब है या n PQ पर लंब है, जो दिया हुआ है PQ लंब है n पर, तो उस कंडीशन में PQ डॉट n बराबर जीरो। देखो PQ की वैल्यू कितना है r माइनस है, जो हमने यहाँ लिखा है r माइनस, और इस n की वैल्यू को हमने n माना है डॉट n बराबर, यहाँ डॉट रहेगा संख्या, तो r माइनस है डॉट n बराबर। हमारा यही याद रखना है कि बिंदु दिया होगा तो बिंदु सदिश निकालना है r माइनस a डॉट n बराबर, पिछले में क्या लिखा था मूल बिंदु से दूरी, इसमें क्या है बिंदु दिया है। एक एग्जांपल लेते हैं, कह रहा है कि एक बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके अभिलंब सदिश क्या है, कोई भी मान सकता है। कह रहा है बिंदु एक दो और तीन से जाने वाले समतल का समीकरण जिसके बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण जिसके जिस पर अभिलंब सदिश, अभिलंब क्या है आई माइनस टू जे प्लस, तो देखिए यहाँ पे इकाई सदिश हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इकाई सदिश है तो भी सही है, नहीं है तो भी कोई इकाई बनाने की जरूरत नहीं है। इकाई का आवश्यकता कब होती है जब मूल बिंदु से दूरी की चर्चा की जाती है, यहाँ पे बिंदु दिया हुआ है। तो देखिए प्रश्नानुसार समतल में उपस्थित, समतल में उपस्थित ठीक है बिंदु सदिश, बिंदु वो क्या हो जाएगा वेक्टर ए बराबर लिखेंगे, देखिए बिंदु क्या है आई प्लस टू जे प्लस थ्री, ये बिंदु हो गया, और अभिलंब तथा समतल पर, समतल पर अभिलंब सदिश, अभिलंब वो क्या है एन बराबर, वो कितना दिया है आई माइनस टू जे प्लस थ्री, इसलिए समतल का अभिलंब बताया आपको आर डॉट एन बराबर ए डॉट, यहां मान रखते हैं आर डॉट एन, एन की वैल्यू कितना है आई माइनस टू जे प्लस, और यहां से ए डॉट है एक एक वैल्यू लिखिए एक वैल्यू आई प्लस टू जे प्लस थ्री के, और डॉट आई माइनस टू जे प्लस, यहां से हम सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या जाएगा वेक्टर आर डॉट आई माइनस टू जे प्लस थ्री के बराबर एक एक माइनस चार प्लस तो नौ और एक दस में चार बराबर, तो रिजल्ट क्या हो गया सदिश का समीकरण जो आंसर हो जाएगा वो कुछ इस प्रकार से होगा कि आर डॉट सदिश का मान आई माइनस टू जे i माइनस टू जे प्लस थ्री के बराबर ये वैल्यू ठीक है, लेकिन क्या ये अभिलंब रूप है क्या, नहीं, क्यों, इसके गुणांकों को गुणा करके जोड़ो एक का स्क्वायर एक दो का स्क्वायर चार तीन का स्क्वायर नौ नौ चार तेरह चौदह रूट में 14 आएगा एक नहीं आ रहा है, इसलिए ये अभिलंब रूप नहीं, ये बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ठीक है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि अंतर क्या होता है, यहाँ पे अगर इसके गुणांकों का वर्ग एक आ जाए वर्गमूल वर्गों का योग करके तो समझ लीजिए वो अभिलंब रूप है, अगर ऐसा नहीं है तो अभिलंब रूप, तो इस प्रकार से कार्तीय रूप भी आप सॉल्व कर सकते हैं, अब कोई भी मान हो आप हल कर सकते हैं, उसमें बिंदु दिया होगा अभिलंब सदिश दिया होगा अभिलंब अभिलंब की दिक अनुपात दिया होगा या दिक उज्ज्या दिया होगा, तो बस मान रखना है और सॉल्व, इस प्रकार से इन मानों के आधार पर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट पूछ सकते हैं ठीक है, हालांकि इसके आधार पर आप सॉल्व करेंगे तो बेसिक सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, घर पे रहिए स्वस्थ रहिए, नेक्स्ट में हम लोग सीखेंगे कि तीन
बिंदुओं से, तीन असंरेख बिंदुओं से समतल का समीकरण क्या होता है और समतल के कौन कौन से प्रतिबंध होते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।